हेलो एवरीवन, आज मैं थोड़े नाल शेयर करूंगी सूजी का फटाफट रेडी होने वाला डोसा, जिसनों के आप चटनी ते सांबर नाल सर्व कर सकते हैं। इस डोसे नू रेडी करने लिए सिर्फ 15 तो 20 मिनट तक का टाइम लगता है। चलो हुण आप डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा डोसा बनाने लिए मैं 1 कप बरीक सूजी दे लिया, आधा कप मैदा, 1 कप चौलों का आटा। चौलों का आटा तो सूजी आप बराबर मात्रा में लेने, मैदा उस तो अद्धी मात्रा में लेना। सूजी मैं बरीक वाली ली है, जो थोड़े को बरीक वाली नहीं है तो तुम उसको मोटी सूजी में थोड़ा ग्राइंड कर लो। बरीक कटिया हुआ करी पत्ता ऐड करूँगी, बरीक बरीक कटिया हुआ प्याज, थोड़ा जहा अदरक, बरीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 चम्मच इस विच दही दे ऐड करूँ। एक चम्मच नमक दा ऐड करूँगी, नमक तुसी अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। हुण मैं इस विच पानी ऐड करूंगी, पानी आपां काफी ऐड करना, इसका थोड़ा जिहा पतला बैटर रेडी करना, जिवें दी अपनी दाल हुंदी है ना, दाल तो भी थोड़ा पतला रखना, थोड़ा रनिंग बैटर रेडी करेंगे। तुसी देखो अपना पतला बैटर रेडी हो चुके। हुण मैं इसनों कवर करके 1/2 घंटे लिए रेस्ट लिए रखूंगी, इस नाल थोड़ी सूजी ते चौलों का आटा थोड़ा फुल जाएगा। फिर आप चेक करांगे, जे आप जरूरत लगी तो आप होर पानी ऐड करा। रवा डोसा की स्टफिंग बनाने लिए मैं 4 आलू बॉयल करके उन्होंने बरीक कट कर ले, थोड़ा जहा करी पत्ता बरीक बरीक कट ले, 1/2 चम्मच मैं राई ली है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच मैं नमक डाले, 1/2 चम्मच जीरे डाले। एक पैन विच मैं 2 चम्मच ऑयल दे पाए, ऑयल गर्म करके जीरा ऐड करांगे, राई ऐड करांगे, करी पत्ता ऐड करांगे, नमक लाल मिर्च से हल्दी ऐड करांगे, आलू ऐड कर देंगे। फ्लेम आप लो मीडियम ही रखनी है। अच्छी तरह मसाले में आलू मिक्स कर लें। डोसे की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। रवा डोसा भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, स्टफिंग भी 2 मिनट रेडी हो गई है। बैटर नू रखा 1/2 घंटा हो चुका है, देखो पहले नालों थोड़ा बैटर गाढ़ा हो चुका है, सूजी ते चौलों का आटा फुल चुके। हुण आपां इस थोड़ा जिहा पानी होर ऐड करांगे। जदों आपां नॉर्मल डोसा बनाने तो उसका बैटर थोड़ा गाढ़ा हुंदा, रवा डोसे का बैटर थोड़ा पतला हुंदा, जिन्ना ज़्यादा पतला होएगा उन्ना डोसा अपना अच्छा बनेगा। थोड़ा जहा पानी आप होर ऐड करांगे तो इसमें मिक्स करांगे। दाल तो भी पतला बैटर आप रखना, बहुत ही रनिंग बैटर रखना। इस जब आप डोसा बनाना तो ध्यान रखना इसनों वार वार हिलाते रहना, क्योंकि ना सूजी ते चौलों का आटा नीचे बैठ जाता है, इसनों हिला हिला के आप डोसा रेडी करना। तवा गर्म करके सब तो पहले इस आप ऑयल लगावे, अच्छी तरह ऑयल लगावे। ऑयल लगा के आप उपर प्याज में थोड़ा रगड़ांगे, इस नाल की होएगा कि अपना डोसा चिपकेगा नहीं, तो थोड़ा क्रिस्पी बन जाएगा। बैटर आप पहले साइड पर चलाना, फिर सेंटर से पाना।
डोसे नू बनने थोड़ा टाइम लगता है। फ्लेम आप लो मीडियम रखनी है। तवे नू थोड़ा हिला हिला के सारे पासियां तो डोसे नू सेक लेना। थोड़ा साइड से आप ऑयल करेंगे। हम आप इसमें चेक करेंगे साइड तो। तुसी चाहो तो डोसे नू एक साइड तो सेक के ही सर्व कर सकते हो, पर मैं दोनों साइडों तो सेकूंगी। देखो इसकी साइज कितनी अच्छी सीखी है, कितना क्रिस्पी डोसा रेडी है। डोसा अपना दोनों साइज को सीख चुके, हम आप इसकी स्टफिंग करेंगे। तुसी चाहो तो बिना सब्जी की स्टफिंग किते भी सर्व कर सकते हो, सब्जी की स्टफिंग करके भी सर्व कर सकते हो। इसे प्रोसेस ना अपना अपने सारे डोसे रेडी कर लेने हैं। देखो बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी डोसा अपना रेडी हो चुके। डोसा अपना सर्व करने लिए रेडी हो चुके हैं। हुन आप इसको सांबर या चटनी किसी भी चीज ना सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद है कि तुम्हें मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फटाफट रेडी होने वाला डोसा तुसी जरूर ट्राई करो, तो मैनू कमेंट करके दस्यो कि तुहाडा किवें दा बणिया।